आज हम लोगों का टॉपिक है, वी विल स्टार्ट विद बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, हम जो भी सिग्नल देंगे मैसेज बनाकर, उस सिग्नल में वोल्टेज के वेरिएशंस होंगे और उन वेरिएशंस की एक फ्रीक्वेंसी होगी। ये एक वायर पर भी जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी जा सकते हैं, विच इज वायरलेस। अब इसमें हमारा जो सिग्नल होता है, उस सिग्नल में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम जब बोलते हैं गले से, तो हमारा जो सिस्टम है कि गले के अंदर लैरिंग्स होते हैं, वो लैरिंग्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन से साउंड निकलता है। बट देयर इज नॉट ए सिंगल लैरिंग्स, देयर आर मेनी मसल्स इन दैट, मेनी लैरिंग्स इन दैट विच वाइब्रेट टूगेदर। और जब ये वाइब्रेट करते हैं सब, तो सब में से कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी निकलती है। तो कभी मेरी आवाज मोटी हो जाती है, कभी आवाज पतली हो जाती है, और इस आवाज में बहुत सारी आवाजों का कॉम्बिनेशन है। और आपने ये देखा भी होगा कि जब भी हम किसी की आवाज सुनते हैं, तो किसी किसी आदमी की आवाज, किसी की आवाज हमको फटी हुई लगती है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है। तो फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन हमेशा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी बहुत क्लोज क्लोज हो, ये भी हो सकता है उस फ्रीक्वेंसीज के बीच में गैप हो, ऐसे। तो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, फिर ये पड़ेगी, फिर ये पड़ेगी, ये फ्रीक्वेंसी बीच की सुनाई नहीं पड़ेंगी, तो हमको आवाज थोड़ा सा अजीब लगेगी। जैसे बहुत सारी आवाजें मिक्स करके आ रही हैं और सभी फ्रीक्वेंसी ऐसी आती हैं, तो एक सीमलेस आवाज सुनाई पड़ती, जिसको हम कहते हैं कि गला बहुत सधा हुआ है, मीठी आवाज है। ये रीजन है। तो हमको जो चीज समझनी है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज कंबाइन होकर आती हैं, उसकी एक मीन फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज की मीन फ्रीक्वेंसी 370 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी? तो इसका यह है कि इसमें 360 वाला साउंड भी हो सकता है, 350 वाला भी हो सकता है, 300 वाला भी होगा, और हो सकता है 450 वाला भी होगा। तो 300 से लेके 500 तक सभी फ्रीक्वेंसीज की आवाज मेरे गले से आ रही है, और सेंटर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज किसकी हैं? 370 की। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? मेन फ्रीक्वेंसी। इस तरह से किसी भी साउंड में बहुत फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, फिर उसे बढ़ते 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 एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके नीचे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। वी विल से दिस इज ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ग्राफ में दिखाएंगे, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये सारी फ्रीक्वेंसीज इस तरह से हमने यहां पर एग्जिबिट की। और ये जब फ्रीक्वेंसीज ऐसे एग्जिबिट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये एक पट्टी बन गई है, ये बेल्ट, दिस इज नोन एज बैंड। जैसे हाथ में आप बैंड लगाते हैं, सो दिस इज ए बैंड। और इस बैंड की ये वाली ये डायमेंशन क्या कहलाएगी? इसकी विड्थ। विड्थ और ये दोनों मिलाकर क्या बने? बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ बताता क्या है? इस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, इस फ्रीक्वेंसी पर फिनिश करना है, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैंडल की जाएंगी। दिस इज बैंड विड्थ ऑफ ए सिग्नल। समझ में आया? ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? This is range of frequencies. ये पूरा frequencies का range मिलाकर इसको क्या बोला जाएगा? Bandwidth. Is it clear? Okay. अब ये bandwidth किसकी होती है? किसकी characteristic है? तो answer है, ये हर चीज जो frequency के रास्ते में आती है, हर चीज की अपनी अपनी एक bandwidth handle करने की capacity होती है।
जैसे हम बोलते हैं उसमें एक कम से कम फ्रीक्वेंसी होगी, एक सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। जब हम बोलते हैं तो हमारी कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है 300, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कोई चीख कर भी बोलता है तो कितनी होती है, 3100। इससे ज्यादा आवाज हम गले से नहीं निकाल सकते, इससे ज्यादा पतली आवाज नहीं निकाल सकते। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, तो विड्थ कितनी हुई, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आया 2800। तो 2800 को क्या बोला जाएगा, बैंडविड्थ ऑफ अवर साउंड सिस्टम। समझ आया बैंडविड्थ क्या हुआ, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे, ये उसका रेंज है और ये उसकी बैंडविड्थ, 2800 इज द बैंडविड्थ। ओके, इसी बैंडविड्थ को अगर हमारा साउंड टेलीफोन पर जाना है तो टेलीफोन सिस्टम की बैंडविड्थ हमको कितनी रखनी पड़ेगी, 2800, ताकि वो कैपेबल हो इस बैंडविड्थ को हैंडल करने के। इससे ज्यादा और कम की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतनी बैंडविड्थ को हैंडल करने का वो कैपेबल होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम अगर म्यूजिक को भेजना चाहते हैं तो म्यूजिक में हम इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे बहुत ज्यादा होती है, गले से बहुत ज्यादा होती है, 4000, 5000, 10000, ऐसे 20,000 तक इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक्चुअली ये कहना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसीज तो बहुत ज्यादा बहुत कम हो सकती है, हम वही इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो हमारा कान सुन सकता है, और जब हम नहीं सुन सकते हैं तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं इसको ऐसे बजा रहा हूं, सुनाई पड़ता है, नहीं सुनाई पड़ता है तो ये हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर बजता तो है, ये हमारा कान नहीं सुनता है। इसी तरह से अगर हम आवाज को पतला करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो 20,000 फ्रीक्वेंसी से जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आवाज इतनी पतली हो जाएगी कि हमारा कान सुन भी नहीं पाएगा उसको। तो अगर हमारा कान उसको नहीं सुनेगा तो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं करेंगे। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी हम कहां से कहां तक रखते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे कान की होती है। और हमारे कान की फ्रीक्वेंसी हमने देखी कि जो इंस्ट्रूमेंट 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है, लाइक दिस, ये जो साउंड आप सुनते हैं तबले का साउंड और इससे मोटा, वो 20 हर्ट्ज होता है। सितार जो आप सुनते हैं वो फ्यू थाउजेंड हर्ट्ज होता है, और सीटी जो विसल आप सुनते हैं, विसल अलग अलग होती है, 500 से शुरू होती है, पतली होती जाएगी आवाज, जैसे जैसे पतली होती जाएगी वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। घुंघरू की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यूजिक कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी अप टू 20 kHz, दैट इज 20,000 hertz, क्योंकि हमारे कान उतने तक को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो 20 kHz इज म्यूजिक बैंडविड्थ, और यही किसकी बैंडविड्थ है, हमारे ईयर्स की, हमारे ईयर्स 20 to 20,000 ऐसा सुनते हैं। तो ये नेचर का बनाया हुआ रूल है कि वो 20 के नीचे हमको साउंड्स नहीं सुनाई पड़ते हैं और 20 kHz के ऊपर के साउंड भी नहीं सुनाई पड़ते, ठीक है। नेचर में दूसरे प्राणी ऐसे हो सकते हैं जिनको ये आवाज सुनाई पड़ती है, 20 के नीचे के भी उनको वाइब्रेशंस सुनाई पड़ते हैं, हमको नहीं सुनाई पड़ते। जैसे आपने बैट्स के बारे में सुना होगा, उनको भूकंप आता है, उनको पता लग जाता है। कैसे पता लगता है, कि जब भूकंप की वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 होती है, लेस देन 20 होती है तो उनको कोई आवाज नहीं आती, पर बैट्स को आवाज आती है और बहुत तेज आवाज आती है, वो वाली आवाज जो हमको भूकंप के आने से आती है, ब्लास्ट के होने से होती है, उनको वैसे ही एक साउंड आता है और वो उड़ने लगते हैं। इसी तरह से दूसरे जो बर्ड्स रहते हैं वो बर्ड्स भी इसको आवाज को सुन लेते हैं, वो भी उड़ने लगते हैं तेजी से, तो लोगों को पता लगता है कि भूकंप आने वाला है, कहीं पर भूकंप आया है, उसकी उसका साउंड आ गया है, थोड़ी देर में वो वाइब्रेशन भी अर्थ में आ जाएगा।
तो ये इसलिए क्योंकि उनके ईयर का फ्रीक्वेंसी का रेंज हमारे से ज्यादा है, बैंडविड्थ ज्यादा बड़ी है, लेकिन हो सकता है उनको ये वाली बैंडविड्थ न सुनाई पड़ती हो। इसी तरह से चूहे या कुछ मच्छर, इनको हाई बैंडविड्थ भी सुनाई पड़ती है 25 किलोहर्ट्ज की, 24 किलोहर्ट्ज की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सुपर फ्रीक्वेंसी या सुपर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसका वॉल्यूम हाई कर देते हैं। हमारे लिए वो हमको सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उससे हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड क्रिएट होता है वो इंसेक्ट्स को, माउस को, इन सबको सुनाई पड़ता है। और अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ा दें तो उनको वैसे ही सुनाई पड़ेगा जैसे हमारे कान के पास कोई लाउड स्पीकर बजा दे, इतनी ऊंची आवाज। तो वो बेचैन हो जाते हैं और डर के मारे उस कमरे को छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक रेपेलेंट्स सुने होंगे मच्छरों के लिए, मॉस्किटोज के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक रेपेलेंट क्या होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी 20 से ज्यादा होती है। अगर इससे ज्यादा होती है हम उसको नहीं सुन सकते, हम सुन नहीं सकते तो वो हमको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन हवा में वाइब्रेशंस हैं मोर देन 20 और जो जिसके कान इसको सुन सकते हैं, मॉस्किटोज के सुन सकते हैं और दूसरे इंसेक्ट के सुन सकते हैं, उनको इतना लाउड साउंड सुनाई देता है कि वो क्विट कर जाते, उस कमरे को छोड़ के भाग जाते। ओके, सो ये म्यूजिक का रेंज है सिर्फ यहां से यहां तक। इसके बाद जो हम वीडियो सिग्नल भेजते हैं उसका रेंज मेगाहर्ट्ज में होता है। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए जिसके अंदर हम वीडियो, ऑडियो, सिग्नल सब डालकर भेजा करेंगे। तो इतना हमको मिनिमम चाहिए, इतना मिनिमम चाहिए, और दूसरा सिग्नल इससे अटैक मत करे, इसलिए हम जो रिजर्वेशन करते हैं वो 6 मेगाहर्ट्ज की कर देते हैं कि 6 मेगाहर्ट्ज के अंदर दूसरा चैनल नहीं आएगा। ये 6 मेगाहर्ट्ज के बीचों बीच 4.2 मेगाहर्ट्ज में हमारा एक चैनल जाएगा। तो टीवी का एक चैनल 6 मेगाहर्ट्ज हम उसके लिए रिजर्व रखते हैं, 0 to 6, फिर 7 to 12 दूसरा, फिर 13 to 18 तीसरा, फिर 19 to, ऐसे कर करके हम जितने चैनल मर्जी रख सकते हैं और अपने टीवी में हम रखते हैं। तो जब भी आप टीवी स्टार्ट करेंगे देखेंगे पहले उसके ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ आता है कि कितने मेगाहर्ट्ज को आपने ट्यून किया, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए वो सिग्नल आता है। दैट शोज कि उस समय आपकी कम्युनिकेशन कितनी फ्रिक्वेंसी पर हो रही है, वो उसका फ्रिक्वेंसी का नंबर आता है। तो उसको चाहिए कितना, 4.2 मेगाहर्ट्ज के अंदर ये हमारे सिग्नल आ जाते हैं, ये उनकी बैंडविड्थ है। अगर उसको 4.2 चाहिए और हम 6 देते हैं, 8 देते हैं, तो बड़ा कंफर्टेबली सारे सिग्नल उसमें पूरी विड्थ लेकर जाते हैं और वो हमको बहुत क्लियर सुनाई पड़ता है। पर अगर 4.2 को हमने कम दिया, 4 दिया, 3.5 दिया, तो क्या होगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज का साउंड हमको आएगा और कुछ फ्रीक्वेंसीज का साउंड कट जाएगा। तो हमको थोड़ा सा उसका साउंड या वीडियो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पूरा क्लियर कट नहीं आएगा। ये हम देखते हैं, नॉर्मली होता है, हमारे मोबाइल में भी होता है, दूसरी चीजों में होता है। तो इसलिए नियम क्या है, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ आप देंगे उतनी ज्यादा वेव्स के सिग्नल क्लियर होंगे, ठीक है। सो बैंडविड्थ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, सो लार्जर बैंडविड्थ इज बेटर टू एकोमोडेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वेव्स। तो इस तरह से ये बैंडविड्थ अलग अलग मैसेज सिग्नल की अलग अलग बैंडविड्थ हो सकती है। अब बैंडविड्थ सिर्फ सिग्नल की ही होती है, आंसर है नो। बैंडविड्थ हर चीज की होती है, जैसे मैंने ट्रांसड्यूसर यूज किया, माइक्रोफोन हमारा ऐसा है, माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूं टेलीफोन में, जैसे मैंने टेलीफोन के माइक्रोफोन में बोला और आपको टेलीफोन में आवाज आती है, आप जो सामने मेरी आवाज सुनते हैं वो आवाज टेलीफोन में नहीं आती, थोड़ा सा डिफरेंट आती है। क्यों ऐसा हो जाता है,
क्योंकि जब टेलीफोन उस सारी फ्रीक्वेंसीज को ले जाता है तो उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज को वो नहीं ले पाता। टेलीफोन की फ्रीक्वेंसी यहां से लेके यहां तक सेट है, ये इतनी। अब इसमें मेरे साउंड की मीन फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5 ये फ्रीक्वेंसी टेलीफोन में नहीं जा रही। उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसकी टेलीफोन की बैंडविड्थ देखिए, ये मेरे साउंड की बैंडविड्थ है इतनी, और टेलीफोन इतनी बैंडविड्थ को हैंडल करता है, इतनी बैंडविड्थ को हैंडल करता है। तो ये जो मेरा मीन साउंड है आपको सुनाई पड़ता है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनाई पड़ता है, ये सब फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ती हैं, पर ये फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई पड़ती। तो आपको बात समझ में आती कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये सफिशियंट है बात को समझाने के लिए। पर चूंकि सब फ्रीक्वेंसीज हमारे कान में नहीं आ रही हैं, इसलिए हमको क्या लगता है कि साउंड डिफरेंट है, और बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहां पर आप सुन रहे हैं सारी फ्रीक्वेंसीज आपके कान में जा रही हैं, टेलीफोन पे सुनते हैं तो सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसीज जाती। ये बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम किसका है? आंसर है, ये प्रॉब्लम टेलीफोन का है। क्यों? क्योंकि टेलीफोन का डिजाइन जो हमने बनाया वो इस बैंडविड्थ पे काम करता है, ये वाली फ्रीक्वेंसीज उसमें जाती हैं तो क्या होता है? तो आंसर है, ये फ्रीक्वेंसी जब उसमें जाती है तो उसकी करंट वो सफिशिएंट नहीं बना सकता। हमने एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ा है, एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की तो करंट हाई बनती है, पर बाकी फ्रीक्वेंसीज की करंट कम बनती है। ये सिर्फ इतनी सी जो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनकी पावर मैक्सिमम पावर की 50% होती है, 50%, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमको अच्छे से सुनाई पड़ती हैं, और ये फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई पड़ती। तो हम बोलते हैं पूरी फ्रीक्वेंसी से टेलीफोन आगे बढ़ाता है इतनी फ्रीक्वेंसीज को, ये और ये कट गई, तो हमको जो साउंड सुनाई पड़ता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए टेलीफोन पर, मोबाइल पर हमारे साउंड डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि टीवी में, मोबाइल टीवी में, वीडियो में हमारा साउंड डिफरेंट मत हो, तो उसका क्या इलाज है? हम अपना इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाएंगे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, इसको हमने ऐसा बनाया कि ये ऐसा बना। अब ये मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी है बोलने की, और ये पूरी फ्रीक्वेंसी इसके 50% के ऊपर आ गई ये वाले सर्किट के, तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी मेरे को सुनाई पड़ती है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा वीडियो कैमरा यूज किया, एक ऐसा माइक्रोफोन यूज किया जिसकी बैंडविड्थ इतनी चौड़ी है ताकि ये मेरी सारी फ्रीक्वेंसीज को ले ले। पहले मैं यूज कर रहा था ये वाला मोबाइल, और इस मोबाइल में इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब मैं यूज कर रहा हूं अपना म्यूजिक सिस्टम, उस म्यूजिक सिस्टम की बैंडविड्थ इतनी है, इतने से ऊपर सब का 50% वॉल्यूम पावर का 50% वो देता है, और इसी के अंदर ही मेरी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं यहां से लेके यहां तक। तो ये फ्रीक्वेंसी भी सुनाई पड़ती है, ये भी सुनाई पड़ती है, ये भी सुनाई पड़ती है, सबकी आवाज आती है। किसको इंप्रूव किया मैंने? अपने सिस्टम को, म्यूजिक सिस्टम लगाया, टीवी लगाया जिसकी बैंडविड्थ इतनी ज्यादा है, ये बैंडविड्थ है उसकी, पहले वाले की इतनी बैंडविड्थ थी। तो ये हार्डवेयर की बैंडविड्थ होती है। तो हर हार्डवेयर जिस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को हैंडल कर सकता है वो उसका फीचर है। तो बैंडविड्थ सिर्फ मेरी आवाज का फीचर नहीं है, बैंडविड्थ उस मशीन का भी फीचर है। अब मैंने अपना साउंड क्रिएट किया है, उसकी बैंडविड्थ 3000 हर्ट्ज है। मैंने एक सिस्टम भी ऐसा लगाया माइक्रोफोन का कि वो पूरा 3000 50% के ऊपर पावर बनाकर हैंडल करता है, पूरा 3000 भेज देता है। लेकिन सामने जो एम्पलीफायर लगा है उस एम्पलीफायर में पूरा का पूरा एम्पलीफाइड नहीं होता, सिर्फ बीच का कुछ पोर्शन होता है, तो वो क्या करेगा, आजू बाजू वालों को एम्पलीफाई नहीं करेगा, सिर्फ बीच वाले को करेगा। तो
वहां पर उसकी बैंडविड्थ कम पड़ गई, उसमें हमारा सिग्नल पूरा नहीं गया। मान लीजिए मैंने एम्पलीफायर भी अच्छी कंपनी का लगाया, उसकी बैंडविड्थ भी बहुत है और उसने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करके भेजा, और स्पीकर अच्छा नहीं है। वो स्पीकर क्या करता है, सिर्फ बीच वाली मेन फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है, आजू बाजू वाली को नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है, स्पीकर में भी हो सकता है। तो स्पीकर सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज मुझे नहीं सुनाएगा, साउंड में फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए एक अच्छा सिस्टम क्या होता है, जिसका हर पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट शुड हैव ए वाइड बैंडविड्थ, सो दैट इट इज एबल टू हैंडल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कंप्लीट रेंज ऑफ ए वेरी वाइड रेंज। और एक भी पार्ट उसमें ऐसा नहीं आना चाहिए जो फ्रीक्वेंसीज को काट दे। इसलिए अच्छा साउंड सिस्टम बहुत मुश्किल होता है सेलेक्ट करना, एंड वी आर ऑलवेज गोइंग फॉर ए गुड साउंड सिस्टम। और यही फर्क होता है कि जब आप जाते हैं दुकान में तो अलग अलग साउंड सिस्टम को सुनते हैं, यही फर्क होता है कि एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम आपको 2000 रुपए में मिल जाता है और एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम 2,00,000 रुपए में मिलता है। इतना प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज दैट सिस्टम इज एबल टू हैव द कंप्लीट बैंडविड्थ इन ईच एंड एवरी पार्ट। ओके, तो ये बैंडविड्थ का इंपॉर्टेंस है। तो बैंडविड्थ हर चीज की होती है, चैनल की भी होती है, हमारे साउंड की भी होती है। चैनल केबल सिग्नल को लेकर जा रही है, उस केबल में ये दो तार होते हैं, ये सिग्नल को लेकर जा रहे हैं। हमने फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इसको भेजी तो इसमें जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, मेगाहर्ट्ज़ और उससे ज्यादा, उतनी फ्रीक्वेंसीज में ये दोनों एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट कर जाते। इसके बीच में रबर लगा हुआ है, उस हाई फ्रीक्वेंसी की इतनी पावर होती है कि वो यहां से जाकर हमारे स्पीकर में या माइक्रोफोन सिस्टम में जाने के पहले ही यहां से ऐसे लौट आती है, ये इधर जाती नहीं है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली जाना कहां है, यहां। हम रास्ता ऐसा बनाते हैं कि ये जाए स्पीकर में, आवाज आए तब करंट ऐसे फ्लो हो, और इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट होना। तो उसकी जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी इतनी पावर होती है कि वो इसके इंसुलेटर को काटकर ऐसे चली जाती है और ये इधर से ही आ जाती है। तो इसके लिए हमको बहुत स्पेशल केबल यूज करने पड़ते हैं। ये वाले केबल आपने देखे होंगे कि हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर में, वीडियो कैमरास में, इस सब में ये वाले केबल यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को भी शॉर्ट सर्किट नहीं होने देते। अब जब भी हम कोई केबल लेने जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उस केबल का मैन्युफैक्चरर हमसे पूछता है बैंडविड्थ कितनी चाहिए। यहां भी बैंडविड्थ है, तो हर केबल की भी अपनी अपनी बैंडविड्थ होती है। और एक हाई बैंडविड्थ वाली केबल हम लाते हैं, उससे हम अपना नेटवर्क सिस्टम, इंटरनेट का सिस्टम चलाते हैं, लाइन वाला इंटरनेट। वो लाइन का इंटरनेट जब चलता है, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज के डाटा आते हैं, डाटा की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए स्पेशल केबल बनाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑर्डिनरी केबल है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसको जब हम नेट पे लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नेट नहीं आ रहा है। अगर आप लाइन वाला नेट यूज करते हैं तो ऑर्डिनरी केबल लगाने से नेट नहीं आता, हमको उसका ही केबल लगाना पड़ता है। उस केबल में क्या स्पेशलिटी होती है, उसका इंसुलेशन इस तरह का होता है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी भी इसमें से बाईपास नहीं हो सकती, शॉर्ट नहीं होती है, तब वो काम करता है। और हम उस केबल को स्पेसिफिकेशन क्या देते हैं, इट शुड हैव ए वेरी हाई बैंडविड्थ। तो इसलिए जब भी हम केबल लेंगे, उसके साथ ये होगा कि ये कितनी बैंडविड्थ हैंडल कर सकती है। हमारे वाईफाई सिस्टम्स जो हैं, आपने देखा है उसके पीछे गोल केबल स्पेशल आती है, और उसके अंदर अलग तरह के नायलॉन इंसुलेशन होते हैं, उसके ऊपर जाली होती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, इसलिए कि वो
हाई फ्रीक्वेंसी में भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी बैंडविड्थ बहुत वाइड है। इस तरह से चैनल की भी बैंडविड्थ होती है, ट्रांसमीटर की भी बैंडविड्थ होती है, रिसीवर की भी बैंडविड्थ होती है, हमारे जो सिग्नल हैं उसकी बैंडविड्थ भी होती है। तो हर चीज के साथ बैंडविड्थ वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बैंडविड्थ हर एक की होती है और हर एक का रेंज जब भी हम डिस्कस करते हैं वी शुड नो। और बैंडविड्थ हैंडलिंग कैपेसिटी कम या ज्यादा होने से, ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा होने से आवाज हमेशा साफ आएगी। जैसे अगर हमको रोड पर जाने के लिए 4 फुट चौड़ी सड़क चाहिए, मोटरसाइकिल चलानी है तो हमको 6 फुट क्लियर चाहिए, अगर 6 फुट की बजाय हमको 5 फुट मिलेगा तो हमको बहुत दिक्कत होगी चलाने में, हमारी मोटरसाइकिल ही 4 फुट की होती है। लेकिन अगर 6 फुट की जगह हमको 30 फुट मिल जाएगा नो प्रॉब्लम। तो बैंडविड्थ ज्यादा होने से क्या होगा, बड़े आराम से और बड़े तेजी से सिग्नल जाएगा, बैंडविड्थ नैरो होने से सिग्नल स्लो जाएगा। ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक वीडियो लेक्चर आप लीजिए, वो 1 GB का है, उसको पेन ड्राइव में डालिए, पेन ड्राइव में 2 GB की पेन ड्राइव आप लाए, उसमें 1 GB का लेक्चर डालना है, वीडियो जाएगा, जगह है, जाता है, टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में वो जाता है उसमें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वही 1 GB का लेक्चर मैं अपने कंप्यूटर से डालता हूं हार्ड डिस्क में। वो हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है, 1 TB, 1000 GB की हार्ड डिस्क है, उसको मैंने लगाया, लेक्चर तो मुझे 1 GB का ही भेजना है। लेकिन जब मैं उसको लगाता हूं तो कितना टाइम लगता है आपको मालूम होगा, 20 सेकंड बस। क्यों, आपको यहां से वहां तक जाना है और हमने बोला ये पूरा ग्राउंड खुला है, कोई नहीं आएगा यहां पे, एकदम प्लेन है, मोटरसाइकिल चलाओ, क्या स्पीड में चलाओगे, 100 फुल जितनी स्पीड पे जाती है। तो अगर हमको बड़ी बैंडविड्थ मिलती है तो स्पीड बहुत फास्ट होती है डाटा ट्रांसमिशन की। इसलिए याद रखिए, बड़ा एकोमोडेशन देने से स्पीड ज्यादा मिलती है, और अगर हम बड़ी बैंडविड्थ वाली मशीन यूज करते हैं तो हमको सिग्नल्स ज्यादा क्लियर मिलते हैं। क्यों, एक छोटी सी चीज है वो भी आपको याद रखनी है, किसी एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर 400 है तो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी जो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो 800 होगी, तीसरा रेजोनेंस उसका कब होगा, 1200 पे, चौथी हार्मोनिक्स उसकी कब बनेगी, यस ना, 1216, हाँ 4 8 12 16, ये सब उसके हार्मोनिक्स बनेंगे। अब अगर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसमें से सिग्नल को जाना है, 400 क्लियरली जाता है, 600 के ऊपर नहीं जा पाता, तो 400 जाएगा, हमको उसका साउंड आएगा। हमने उसकी बजाय एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया, एक दूसरी केबल लगाई जिसमें 1000 तक फ्रीक्वेंसीज जा सकती हैं, इतनी बैंडविड्थ है, तो उसमें कौन कौन जाएगा, 400 भी जाएगा, और उसके कारण जो उसका सेकेंड हार्मोनिक बनता है 800 वाला वो भी जा पाएगा, दोनों जाएंगे। तो जब दोनों आएंगे तो हमको लगेगा आवाज बहुत अच्छी आ रही है, 400 भी आ रहा है और 800 भी आ रहा है, सेम आवाज की दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, हमको ज्यादा अच्छा सुनाई पड़ेगा। और हमने बैंडविड्थ बढ़ा दी 400 800 1200 1600, चारों हार्मोनिक हमको सुनाई पड़ते हैं और ये हम बोलते हैं कितनी अच्छी आवाज है इस इंस्ट्रूमेंट की, क्यों, चारों हार्मोनिक उसके आ रहे हैं। और ये आवाज जो आप म्यूजिक की आवाज सुनते हैं, बांसुरी बजती है या कुछ भी बजती है, उसमें हमको सारे हार्मोनिक सुनाई पड़ते हैं। ये आपने साउंड सिस्टम में देखा होगा कि साउंड सिस्टम में ये अगर हम एक तार बजाते हैं तो ये ऐसा, ये एक फ्रीक्वेंसी बनाता है, इसी समय में ये तार एक ये दूसरी फ्रीक्वेंसी भी बनाता है जो कि इसकी डबल होती है, इसी समय में ये तार ये तीसरी फ्रीक्वेंसी भी बनाता है जो कि इससे 3 गुना होती है, और ये चौथी फ्रीक्वेंसी भी बनाता है जो कि इससे 4 टाइम्स होती है। लेकिन हर एक का ये दोनों नोड रहेगा और यही तार रहेगी, ये सब क्या कहलाते हैं, इसके आपने पढ़ा है पिछली बार, ये सब उसके हार्मोनिक्स कहलाते हैं।
और इन सब की आवाज जब इकट्ठी आती है तो हमको साउंड बहुत स्वीट सुनाई पड़ता है, और अगर एक की आवाज आएगी तो हमको कैसी आवाज आएगी, जैसे हमारे ट्यूनिंग फोर्क की आवाज होती है, सिंगल टोन। और नॉर्मली हमारा जो म्यूजिक होता है उसमें हारमोनिक्स मिक्स होते हैं। अब हारमोनिक्स को अगर हमने ट्रेवल करवाना है तो हमारी तार की बैंडविड्थ कैसी चाहिए, वाइड चाहिए, तभी उसमें जा पाएंगे। सो वी नीड ए वाइडर बैंडविड्थ टू गेट द मल्टीपल हारमोनिक्स ऑफ ए बेसिक साउंड एंड देन द सिग्नल विल बी मच बेटर एंड मच क्लियर। सो लार्जर बैंडविड्थ इज बेटर टू एकोमोडेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वेव। ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंडविड्थ्स। ये समझ आया? अब इसके बाद ये जो बैंडविड्थ होती हैं हम लोग कहां कहां यूज करते हैं। तो अब हमारा इतना वाइड रेंज हो गया है कि हम बहुत जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करना हमने शुरू कर दिया। रेडियो भी चलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं, सैटेलाइट भी चलता है, मोबाइल भी चलता है, और इस तरह से बहुत सारे यूज हैं। अब एक का सिग्नल दूसरे में अगर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसमें हमको प्राइवेसी भी रखनी है, और गवर्नमेंट को इसमें टैक्सेस भी चाहिए, और गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, तो बहुत हैवी एक्सपेंसेस होते। अगर इतने हैवी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको बेचते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक की फ्रीक्वेंसीज आप यूज करिए मोबाइल में, और उसका हमको इतना पैसा दीजिए, इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी तक आप यूज करिए और रेडियो चलवाइए और हमको इसका पैसा दे दीजिए, ये से ये फ्रीक्वेंसी तक आप टीवी में यूज करिए उसका टैक्स हमको दीजिए। टीवी वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करेंगे, रेडियो वाले टीवी नहीं यूज करेंगे, ये गवर्नमेंट एंश्योर करेगी, ठीक है? नहीं तो रेडियो वाले टीवी फ्रीक्वेंसीज की मशीन लगाएंगे और उस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो बजाना शुरू कर देंगे। मोबाइल वाले अपना टीवी स्टेशन भी खोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देयर आर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कि आप ये फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करेंगे, और कोई ऐसी मशीन नहीं बनाएंगे जो इस फ्रीक्वेंसीज के बाहर की फ्रीक्वेंसीज रिसीव करे या उसको ट्रांसमिट करे। इस तरह से गवर्नमेंट ने उसके पर्पस फिक्स कर दिए प्राइवेसी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। मिलिट्री से भी हमारे बहुत सारे सिग्नल जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जितने एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं उस एरोप्लेन से नीचे सिग्नल आते हैं और उसको सिग्नल जाते हैं, उसके लिए एक बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए। अगर वो रेंज मुझे मालूम होगा तो मैं तो एरोप्लेन को सिग्नल देना शुरू कर दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा है कि वो रेंज और कोई यूज नहीं करेगा। दिस इज द पर्पस। इसी तरह से हर रेंज, एक मिलिट्री को रेंज दिया गया है, उसके ट्रांसमीटर और कोई नहीं बना सकता। जो बनाता है वो मिलिट्री के सिग्नल्स को पकड़ेगा और उसको सुन लेगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर जो ट्रांसमीटर यूज हो रहे हैं उस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी के हम रिसीवर बना लें। उस कंट्री में अलाउड नहीं है, हम चोरी छिपे बनाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उनके पास दूसरे तरीके रहते हैं, फिर वो नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करते, कोडिफाइड लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हम सिग्नल पकड़ भी लेते हैं तो भी हमको पता नहीं लगता कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ये चीज चलती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए। तो गवर्नमेंट ने कौन सा रेंज किस पर्पस के लिए दिया हुआ है उसका एक छोटा सा टेबुलेशन है। ये बदलता भी रहता है टाइम टू टाइम, पर हमारे पास जो उसका टेबुलेशन है वो इस तरह से है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ये थोड़े से फ्रीक्वेंसी बैंड हैं, सभी नहीं है। इसमें आप देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी का नहीं है, मिलिट्री का नहीं है, क्योंकि उसको पब्लिक को बताया ही नहीं जाता। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पावर होगी। आपको मालूम है एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी।
तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा वो पावर हैंडल कर सकता है। तो इसमें जो हमने रेंज बनाया हुआ है, रेडियोस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम रेडियोस जो हम यूज करेंगे वो सिर्फ 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ये आजकल बहुत कम हो गए हैं ये रेडियो, और इससे ज्यादा हम यूज करते हैं एफएम रेडियो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स वाले रेडियो, और ये रेडियो में हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज लगता है। सो एफएम ब्रॉडकास्ट हम जो भी करेंगे वो कहां से कहां होगा, 88 to 100 मेगाहर्ट्ज, 88 to 100 मेगाहर्ट्ज, कितना बड़ा रेंज है, 12 मेगाहर्ट्ज, 12 × 10⁶, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, विच इज ए वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी। जबकि हम जो बोलते हैं हमको कितना चाहिए, 20 किलोहर्ट्ज, म्यूजिक के लिए 20 किलोहर्ट्ज बस, दैट इज 0.02 मेगाहर्ट्ज। अगर इतनी कम हमको चाहिए तो इतना बड़ा रेंज, ठीक है, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रेंज दिया है, अलग अलग रेडियो स्टेशन इस पर ऑपरेट करते हैं। एक ही शहर में आपने देखा है एफएम के चार चार स्टेशन होते हैं, चारों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, और हरेक हरेक हमको देता है 0.02 से ट्रिपल करके, तो उतनी वो हमको देता है 0.5, 0.6 मेगाहर्ट्ज का उसका रेंज होता है। जो उसकी मिड फ्रीक्वेंसी होती है उस पर हम ट्यूनिंग करते हैं। जैसे आपका जो रेडियो स्टेशन यहाँ लोकल काम करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको मालूम है? 100.1, 94.3 बिलासपुर का है। इसी तरह से रेड एफएम की एक फ्रीक्वेंसी है, बिलासपुर के एक एफएम की फ्रीक्वेंसी है, एक रेडियो मिर्ची है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से जितने एफएम स्टेशन हैं सबकी फ्रीक्वेंसी आपको इसी रेंज में करीब करीब मिलेगी। कोरबा की कितनी है, 100.1, तो ये हो सकता है 101, 102 तक होगा। तो इस तरह से ये इसके अंदर ही सारे रेडियो स्टेशन आपको मिलेंगे। 87 अभी मैंने देखा है तो 87.4 मुझे मिला मिनिमम, 100.1 मैक्सिमम मिला है। तो करीब करीब यही रेंज किसको दे दिया गया है, एफएम रेडियोस को, ठीक है, वो इसके नीचे और ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। और उसको जो रेंज चाहिए वो तो म्यूजिक का रेंज चाहिए, बहुत बड़ा बैंडविड्थ बहुत बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन उस बैंडविड्थ को इसके अंदर ही कहीं रखना होगा, 88 to 100, 88 to 100। तो एक स्टेशन इतनी बैंडविड्थ लेगा, दूसरा स्टेशन ये बैंडविड्थ लेगा, तीसरा स्टेशन ये लेगा, इस तरह से अलग अलग स्टेशन हैं। हमारा स्टेशन ये है, इसकी मीन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100.1 मेगाहर्ट्ज। ओके, इस तरह से सारे अलग अलग स्टेशन होते हैं। अब दूसरा टेलीविजन, टेलीविजन में हम दो तरह के सिग्नल देते हैं, दीज आर ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स, और इसमें हमको ये दो रेंज अलाउ किए गए हैं, ऑडियो अलग जाता है वीडियो अलग जाता है। तो इसमें ताकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, एक दूसरे के लिए नॉइज मत बन जाएं, इसलिए दोनों अलग अलग जाते हैं, और ये उनके फ्रीक्वेंसी रेंज हैं जो VHF पर टीवी चलते हैं। ये आप एक चीज देखेंगे, ये मेगाहर्ट्ज ये इसके काफी क्लोज है, तो कभी कभी इसकी जो हार्मोनिक्स हैं वो इसमें भी आ जाती है। रेडियो में भी हमको कभी कभी टीवी सुनाई पड़ता था लो फ्रीक्वेंसीज का। एनीवे, तो ये हम लोग यूज करते हैं VHF के लिए, ये वाला हम फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं UHF के लिए, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। ये दो बैंड अभी हम लोग टीवी में यूज करते हैं। इसके बाद जो हम मोबाइल यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल में भी दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक यहां से टॉवर तक सिग्नल जाएगा और दूसरा टॉवर से मोबाइल तक आएगा। तो हमारे मोबाइल से टॉवर पर जो सिग्नल जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 896 to 901 मेगाहर्ट्ज, सेंटर कितना आया, 900, ये इतने मेगाहर्ट्ज उसमें जाता है। आप देखिए ये टीवी और टीवी के यूएचएफ से भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है।
अभी जब हम फ्रीक्वेंसीज के लेवल पर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे उसमें ये आएगा। ओके, सो ये हम देते हैं मोबाइल टू बेस स्टेशन और ये फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं बेस स्टेशन टू मोबाइल। इसका रेंज देखिए 840 टू 935 100, इतनी विड्थ है इसकी। और इसकी विड्थ कैसी है? बड़ी छोटी सी, सिर्फ 5। इसकी कितनी है? 100। क्यों? देखिए, हमको अपने मोबाइल से बेस स्टेशन पर सिग्नल भेजना है, एक मोबाइल से बेस स्टेशन पे जाए 5 काफी है। लेकिन जब बेस स्टेशन ने मोबाइल पर भेजना होता है तो उसको पता नहीं है मोबाइल कहां पर है, उसको चारों तरफ भेजने पड़ते हैं। जहां मोबाइल होगा ट्यून कर लेगा, तो उसको विड्थ कैसी चाहिए? बहुत ज्यादा विड्थ चाहिए, समझ में आया? उसको चारों तरफ भेजेगा तब वो कहीं से हमारा मोबाइल ढूंढ के पकड़ेगा, ठीक है? और हमने तो अपना एक मोबाइल चालू किया, वो मोबाइल का ऐसा गन चला और इधर टावर आया, उसने उसको पकड़ लिया। तो हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको एट ए टाइम चारों तरफ फैलाना नहीं है। हमारी एक वेव जाएगी, ऐसा ढूंढेगी, उसको ढूंढ लेगी। और इसने, टावर ने क्या करना होता है, बहुत सारे मोबाइल्स को वो हैंडल करता है एट ए टाइम, और उसको स्प्रेड करके हमारे मोबाइल को सर्च करना है। तो उसके लिए हमारा मोबाइल वन ऑफ द मेनी मोबाइल्स है, क्योंकि वो एट ए टाइम सैकड़ों मोबाइल को हैंडल करता है और हमारा मोबाइल एक ही मोबाइल को हैंडल करता है। तो इसीलिए हमको छोटी बैंडविड्थ चाहिए और स्टेशन को बड़ी बैंडविड्थ चाहिए। ओके, और दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत हाई एनर्जी वेव्स हमको चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही थी मेगा, 900 के बाद ये क्या हो जाएगा? 1000 होने से 1000 मेगा इज इक्वल टू 1 गीगा, तो ये गीगाहर्ट्ज़ हो गई, ठीक है? तो गीगाहर्ट्ज़ में 6 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास हम यहां से वेव्स भेजते हैं अपलिंक करने के लिए, जो हम क्या करते हैं, अपलोड। डाउनलोड जब हम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? 3.7 to 4.2। ये डाउनलोड की फ्रीक्वेंसी और ये अपलोड की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखी जाती हैं ताकि एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस मत करें। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? इंटरफेरेंस दो वेव्स में कब होता है? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक बराबर होती है। क्या बोलते हैं उनको? कोहेरेंट वेव्स। तो कोहेरेंट वेव्स चाहिए, तो ये कोहेरेंट कहीं बन ना जाएं और एक दूसरे से इंटरफेयर मत करें, इसलिए क्या जरूरी है, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रखना जरूरी है। तो सैटेलाइट पे जाने का रास्ता, आने का रास्ता तो एक ही है, और आपस में इंटरफेयर मत हो, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग रखते। तो ये एक फ्रीक्वेंसी का रेंज, ये इतने सारे इसके एंड यूज हैं। अभी बहुत सारे एंड यूज इसमें नहीं बताए, मैंने आपको बताए जो, वो हम इसमें पब्लिकली मेंशन नहीं करते, ठीक है? अब इसमें जो हमारे मोबाइल के रेंज हैं, ये पुराना चार्ट है, नया चार्ट बदल गया। नए चार्ट में फ्रीक्वेंसीज की शिफ्टिंग होते रहती है। जैसे इतना जो हमको रेंज दिया गया है मोबाइल के लिए, इसमें मोबाइल के नंबर कम पड़ते हैं। हर मोबाइल को हमने हैंडल करने के लिए थोड़ी थोड़ी बैंडविड्थ दी, तो हमारे मोबाइल 1 लाख हो गए, 1 लाख से 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ मतलब 10 to the power 6, इतने तो मोबाइल हो गए। और हर एक को आप 10 to the power 6 फ्रीक्वेंसी रेंज देंगे तो 10 to the power 12 टोटल फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, उतना तो ये रेंज नहीं है। तो उसका क्या असर होगा कि हर मोबाइल को छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसमें आवाज साफ नहीं आएगी और कॉल ड्रॉप होता जाएगा। कॉल ड्रॉप होता है इसलिए होता है कि उस फ्रीक्वेंसी को दूसरा मोबाइल यूज करता है, हमारा मोबाइल कट जाता है, हमारे मोबाइल में आवाज नहीं आती है। ये सब प्रॉब्लम होते हैं फ्रीक्वेंसी कम होने से। अब जितने मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, उनका ये कहना रहता है कि हमको आप रेंज ज्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आप 1 लाख का रेंज दोगे तो 1000-1000 फ्रीक्वेंसी हम एक एक मोबाइल में बांटेंगे, तो
एक एक हजार बांटेंगे तो 100 मोबाइल चलेंगे 1 लाख में। अब उससे तो काम चलता नहीं है, तो ठीक है 2 लाख दे दो 200 चलेंगे, 5 लाख दे दो 500 चलेंगे, 1 करोड़ दे दो तो 1000 मोबाइल चलेंगे। उससे भी काम नहीं बनता, हमको चलाने कितने मोबाइल हैं, 1 करोड़ मोबाइल चलाने, 10 करोड़ चलाने, 50 करोड़ चलाने, और अब तो हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन मोबाइल से है, तो 50 करोड़ मोबाइल हमको चाहिए, तो कितना बड़ा फ्रिक्वेंसी रेंज चाहिए। इतना बड़ा फ्रिक्वेंसी रेंज चाहिए तो हमको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ भी चाहिए, एट ए टाइम बहुत सारे मोबाइल काम करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि ये जो हमारा मोबाइल का रेंज है ये वाला, इस रेंज को और बड़ा करना पड़ा, पर इसके नीचे ये वाले यूज हो रहे, तो टीवी स्टेशन बंद नहीं किए जा सकते, तो इसके ऊपर का रेंज उन्होंने लिया। यहां हम देख रहे हैं ये कितना है, 1 गीगाहर्ट्ज़, ये कहां से स्टार्ट होता है, 3.7, तो 1 से 3.7 के बीच कौन यूज कर रहा है हम नहीं जानते, कोई कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बोला कि आप दूसरी मशीन खरीदो, हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर लो, ये वाली फ्रिक्वेंसी छोड़ दो। उस फ्रिक्वेंसी को छोड़ दिया और गवर्नमेंट ने उसको मोबाइल वालों को दे दिया, और वो हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है, उसका हमने नाम रखा 3G। उसके ऊपर का भी एक रेंज खाली कराया, अब उसको भी दे दिया है 4G। इस तरह से 3G 4G यहां पर आते, और उसके बाद कौन है 3.7, ये आप देख रहे हैं 1 गीगाहर्ट्ज़ और ये 3.7, बीच में कितना गैप है, उस गैप में 3G 4G दोनों आ गए। तो 3G 4G की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होने से उसकी पावर भी हाई होगी, और हमारी बैंडविड्थ बढ़ गई मोबाइल की। अब हम उसमें थोड़ी थोड़ी सिर्फ सबको देंगे तो भी हम ज्यादा नंबर ऑफ मोबाइल्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ का स्पेक्ट्रम है पूरा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड, ये होते। तो अब बैंडविड्थ आपको समझ में आ गई, हर सिग्नल की अपनी एक बैंडविड्थ होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक बैंडविड्थ होती है, उसका एक रेंज भी होता है, बैंडविड्थ भी होती है और रेंज भी होता है। जैसे मेरे साउंड की बैंडविड्थ कितनी है, 3000, वो 3000 को मैं कहीं भी ले जाकर चढ़ा सकता हूं, 1 लाख के ऊपर 3000, 2 लाख के ऊपर 3000, 3 लाख के ऊपर 3000, मैं यूज कितना करूंगा 3000, पर वो 3000 कहां है, वो मेरी मर्जी है कि मैं अपने इक्विपमेंट में उसको कहां रखता हूं। मैं जिस माइक्रोफोन में बोल रहा हूं, ये माइक्रोफोन में अलग अलग क्वालिटी के यूज करता हूं। पहले मैं एक क्वालिटी का यूज कर रहा था जिसमें कि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी 6000, और मैं कितना बोलता हूं 3000, तो 6000 से 9000 तक की फ्रीक्वेंसी जाती थी, 6 to 9। अब मैं जो यूज करता हूं इसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी है 6 लाख, तो ये अब मेरे साउंड को कहां भेजता है, 6 लाख से 6 लाख 3 हजार। लेकिन मेरी अब इसमें दो टर्म याद रखिए, मेरी आवाज की बैंडविड्थ कितनी, 3000, 3 किलोहर्ट्ज़, ओके। मेरी आवाज का रेंज कितना, 6 लाख से लेके 6 लाख 3 हजार, समझ आया। लेकिन चौड़ाई कितनी मैं यूज कर रहा हूं, 3000 ही यूज कर रहा हूं, वो 3000 को मैं 10000 के बाद वाले 3000 में ले सकता हूं, 10 लाख के बाद वाले 3000 में ले सकता हूं, 10000 के बाद वाले 3000 में लेता हूं तो इधर इधर से नॉइज बहुत आ जाता है, 10 लाख के ऊपर लेता हूं तो वहां बहुत कम पहुंचती है, नॉइज बहुत कम पहुंचता है, आवाज ज्यादा साफ होती है। इसी तरह से मैं जब और ऊपर जाता हूं और 50 लाख या 1 करोड़ वाली फ्रीक्वेंसी का माइक यूज करता हूं, तो 1 करोड़ वाली फ्रीक्वेंसी को कितना साउंड हैंडल करना है मेरा, 3000। अब 1 करोड़ वाली को 3000 हैंडल करना आसान है या 10000 वाले को 3000 हैंडल करना आसान है, तो आंसर है 1 करोड़ वाले को आसान है, इतनी बड़ी उसकी बैंडविड्थ है और उसको हैंडल सिर्फ कितना करना है, 3000।
तो पूरा एक से लेके 3000 तक पूरा यूज करता है, बोलता है और कुछ है तो उसको भी ले आओ, तो उसमें मेरा आवाज बहुत ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जो हमारे माइक्रोफोन सिस्टम होते हैं, जो वायरलेस सिस्टम हम यूज करते हैं, ये वायरलेस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि बोलने वाले की, गाने वाले की आवाज आपको कितनी सुनाई पड़ती, कितनी साफ सुनाई पड़ती। लोकल ऑर्केस्ट्रा आप यूज करते हैं, उसमें बहुत कर कर साउंड इधर उधर बहुत सुनाई पड़ता है, लेकिन जो बॉम्बे के बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा होते हैं और जो शोज होते हैं मेगा शोज, उसमें आप देखते हैं हाथ में माइक लेके यूज करता है, उसकी शक्ल तो वही रहती है पर उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन की क्या होती है, टेराबाइट्स में। वो जो टेराबाइट्स है उसको अगर 3000 फ्रीक्वेंसी करनी है हैंडल, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3000, 6000, 9000, 12000 सबको वो हैंडल कर सकता है, सभी हार्मोनिक्स को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ है कितनी, 1 टेराबाइट। इसलिए उसमें साउंड बहुत क्लियर आता है। तो ये बैंडविड्थ के बारे में सब कुछ हुआ। ओके, अब हम लोग इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आप समझ गए कि बैंडविड्थ एक चीज, बैंडविड्थ का रेंज दूसरी चीज, और जो हम हमारा इक्विपमेंट है उसकी बैंडविड्थ हमेशा सिग्नल की बैंडविड्थ से ज्यादा होनी चाहिए, तब उस सिग्नल को बड़े आराम से वो लेगा और पास कर देगा। अगर इसकी अपनी हैंडविड्थ कैपेसिटी कम है तो जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल के आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी काट देगा, इतने को अलाउ कर देगा। ये चीज समझ आ रही है? तो ये इक्विपमेंट है और ये सिग्नल है, अगर सिग्नल ज्यादा चौड़ा आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे की कट जाएगी, इतनी चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बैंडविड्थ्स। अब हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं एंड वी विल गो फॉर कि ये जो वेव्स बनती हैं वायरलेस वेव्स, ये वायरलेस वेव्स कैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर।